सारे जो बिजनेस का डोमेन है ना, वो तुम्हारा बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है, क्योंकि तुमने डोमेन की हिस्ट्री नहीं चेक करी है। लोगों को वेबसाइट के लिए डोमेन खरीदना बहुत आसान सा प्रोसेस लगता है कि बस परचेज कर लो और उस पर वेबसाइट क्रिएट कर लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, बट वो इतना इजी होता नहीं है, क्योंकि कई लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, डोमेन हिस्ट्री नहीं चेक करते हैं। इट्स सुपर इम्पॉर्टेंट कि तुम डोमेन हिस्ट्री पहले चेक करो और उसके बाद डिसाइड करो तुम्हें ये डोमेन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तुम्हारे ब्रांड को ये डोमेन फिट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसे सबसे पहले हम बहुत ईजी टर्म्स में समझते हैं कि डोमेन हिस्ट्री चेक करना क्यों ज़रूरी है और तुम इसको कैसे चेक कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं पेनल्टीज की। मान लो जो तुम डोमेन खरीदने जा रहे हो वो वेबसाइट पहले कोई ऐसे काम करती हो जो सर्च इंजन्स के सामने अनएथिकल हो और उसे किसी भी तरीके की पेनल्टी मिली हो। कंसिडर करो कोई एक कैसीनो की वेबसाइट है और उसे पेनल्टी मिली हो गूगल से, तो उस डोमेन को अगर तुम खरीदने जा रहे हो तो उसे रिवाइव करने में कितना टाइम लगेगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। मान लो उस वेबसाइट ने पहले एक फेक बैकलिंक कैंपेन चलाया हो, या फिर पेड बैकलिंक्स क्रिएट करी हो जो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, या फिर ऑटो जनरेटेड कॉन्टेंट पोस्ट किया हो एकदम मास में, तो इन सबको पेनल्टीज मिल सकती हैं। और इसी चक्कर में अगर तुम ये डोमेन खरीद लेते हो ना, तो इसे रिवाइव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें चेक करना पड़ता है कि उस वेबसाइट का स्पैम स्कोर कितना है। तो एक टूल है जिसका नाम है मॉस। गूगल पर जाओ और मॉस स्पैम चेकर सर्च करो, अपने डोमेन का नाम वहाँ पर पेस्ट कर दो। इसके बाद वो तुम्हें बता देगा कि उस वेबसाइट का स्पैम स्कोर क्या है। अगर उसका वेबसाइट का स्पैम स्कोर ज़्यादा है, इसका मतलब कि ये वेबसाइट पहले स्पैमी रह चुकी है, तो उसे बिल्कुल भी परचेज मत करो। और अगर उसका स्पैम स्कोर कम है तो इट्स वेल एंड गुड, बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइस कि नेक्स्ट स्टेप्स भी फॉलो करो इन ऑर्डर टू गेट टू द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ योर डोमेन हिस्ट्री। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैकलिंक्स की। बैकलिंक्स हर एक वेबसाइट की आइडेंटिटी बताता है। सर्च इंजन को कैसे समझ आता है कोई वेबसाइट अच्छी है या फिर बुरी है, थ्रू देयर बैकलिंक्स। अगर तुम्हें न्यूयॉर्क टाइम्स का बैकलिंक मिला है, मतलब तुम्हारी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है और सर्च इंजन के सामने तुम्हारी अच्छी अथॉरिटी है। और अगर तुम्हें कोई ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक मिला है जो स्पैमी है या फिर कोई इलीगल वेबसाइट है, तो तुम्हें गूगल ट्रस्ट नहीं करेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डोमेन खरीदने जा रहे हो उससे पहले उसका बैकलिंक जरूर चेक कर लो। और ये तुम बहुत ईजिली चेक कर सकते हो, एहरेफ बैकलिंक चेकर पर जाओ गूगल पर सर्च करके, वहाँ पर अपना डोमेन का नाम पेस्ट कर दो। वो तुम्हें बता देगा कि इस डोमेन को कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स मिली हुई हैं, जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या वो बैकलिंक्स एक्चुअली में ऑथेंटिक हैं या फिर वो स्पैमी हैं। तो तुम डिसाइड कर सकते हो कि वो डोमेन तुम्हें खरीदना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। हम अपने मास्टर टूल में आए, उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि गूगल भी कैसे तुम्हें डोमेन हिस्ट्री चेक करने में हेल्प कर सकता है। जो भी तुम डोमेन खरीदने जा रहे हो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमास में गूगल पर सर्च कर लो। बहुत सारे सर्च रिजल्ट्स तुम्हें सामने नजर आ जाएंगे। देखो कि कोई न्यूज़ उससे रिलेटेड छपी है या उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल सके। अगर तुम्हें उससे कोई न्यूज़ मिलती है जो पॉजिटिव है, विच मीन्स कि डोमेन एक्चुअली में अच्छी थी, लेकिन अगर कोई नेगेटिव खबर मिलती है, इसका मतलब यह है कि तुम्हें और डीप रिसर्चिंग में जाना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि वो डोमेन अच्छा है कि नहीं। और ये जो गूगल वाला मैं तुम्हें डोमेन हिस्ट्री वाला सीन बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक गलती मुझसे बहुत गंदी हो गई थी अभी पिछले दो महीने में। मैंने एक वेबसाइट खरीदी थी, डोमेन खरीदा था बेसिकली, और उसको मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च किया था, सब कुछ चेक कर लिया था उसकी हिस्ट्री, और मैंने फिर उस पर कॉन्टेंट पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था फॉर 2 मंथ्स। लेकिन वो वेबसाइट चली भी, मतलब उस पर ट्रैफिक भी आना स्टार्ट हो गया, लेकिन वो अचानक से बैठ गई। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि यार मैंने सब कुछ कर लिया इसके बाद भी कैसे, मतलब मैंने डोमेन हिस्ट्री पूरी तरीके से चेक कर ली थी, बट फिर भी ये वेबसाइट बैठ कैसे सकती है। फिर मैंने इसे गूगल पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में सर्च किया और मुझे पता चला कि इस वेबसाइट पर पहले इलीगल एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं जिस कारण वो वेबसाइट नहीं चल पाई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड आई वुड रियली सजेस्ट कि ये ज़रूर कर लेना। अब आते हैं हमारे मास्टर टूल पे जिसकी मैं बात कर रही थी, वो है वे बैक मशीन। ये टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम कुछ करो ना करो डोमेन हिस्ट्री चेक करने में ये ज़रूर कर लेना। अपने डोमेन का नाम वे बैक मशीन में जाके उसकी लिंक पेस्ट कर दो, वो तुम्हें पूरी हिस्टोरिकल डेटा दे देगा डेट वाइज ईयर वाइज कि कब ये वेबसाइट चालू हुई थी, कब बंद हुई थी, अगर खरीदी गई नेक्स्ट टाइम तो कब खरीदी गई, और जब जब ये वेबसाइट खरीदी गई है इस पर क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, मतलब पूरी तरीके की डिटेल तुम्हें इसमें अच्छे से मिल जाएगी। तो वे बैक मशीन को एकदम डीप एनालिसिस कर लो, जो भी तुम्हें अपने डोमेन के बारे में हिस्ट्री मिल सकती है तुम्हें वो वे बैक मशीन ही अच्छे से दे सकती है। जब तुम ये चारों पांचों
स्टेप्स कर लोगे और तुम्हें लगेगा कि हाँ यार अब ये डोमेन पॉजिटिव लग रहा है लेने में, तभी वो डोमेन खरीदो, अदरवाइज मत खरीदो, क्योंकि ये बिजनेसेस भी बिगाड़ सकता है, तुम्हारे ब्रांड की रेप्यूटेशन भी खराब कर सकता है। अब चलो मान लो तुमने एक गंदा डोमेन खरीद लिया जो पहले अडल्ट वेबसाइट थी। अब कई लोगों को उस वेबसाइट के बारे में पता है, तुमने नया अपना एक ब्रांड स्टार्ट किया और वो ब्रांड का तुमने सेम नाम रख दिया, तो लोगों का परसेप्शन तुम्हारी तरफ कितना डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी क्राउड ही पूरी तरीके से डिफरेंट है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, आई एम रियली एम्फेसिसिंग ऑन दिस, अपने डोमेन की हिस्ट्री ज़रूर चेक कर लो और अच्छे से चेक कर लो बिफोर मेकिंग एनी परचेज। एंड आई रियली नो डोमेन खरीदना इज़ नॉट दैट हैवी अ टास्क, डोमेन में ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, 300 रुपये 400 रुपये लगते हैं, बट वो पैसे देने से पहले ये भी सोच लो कि वो डोमेन तुम्हारे आगे काम आने वाला भी है कि नहीं आने वाला है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कि डोमेन हिस्ट्री होती क्या है, तुम्हें क्या चेक करना पड़ता है, तुम कैसे चेक करोगे। और अगर तुम्हें ऐसी हेल्पफुल वीडियोस चाहिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन।